हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग्स। तो आज ये हो गया वैशाली ब्लॉक पार्ट 3। तो हम जैसे ही शांति स्तूप घूम के निकले हैं, वैसे ही सामने एक बहुत बड़ा तालाब है, तो वहीं पे बोट लगी हुई है। तो बोट में जाने के लिए एक आदमी को 50 रुपये लग रहा है, तो पूरा घुमाएंगे। तो चलिए आप लोगों को बोट में सैर करते हैं। तो हम लोग बोट में बैठ चुके हैं और अभी ये स्टार्ट होने वाली है। बहुत मज़ा आने वाला है। ब्लॉग में बने रहिए। ये हाथ से ही चलाएंगे, ये बांस के सहारे बोट को घुमाएंगे। इसमें कोई मोटर वोटर कुछ नहीं लगी हुई है। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हैं और बोट में बैठे हैं। आप लोग भी आए और लाइफ में फर्स्ट टाइम नहीं, लाइफ में तो बहुत बैठे हुए हैं, बट यहाँ पे फर्स्ट टाइम बैठे हुए हैं। हाँ, तो इरफान की लाइफ में फर्स्ट टाइम है, इसलिए वो बोला उसके लाइफ में फर्स्ट टाइम है। उसका भी लाइफ में फर्स्ट टाइम, मेरा भी लाइफ में फर्स्ट टाइम। अरे सबका लाइफ में फर्स्ट टाइम ही है, मेरा सेकंड है। इसका सेकंड है, मैं तो बहुत बार बैठा हूँ। यही भाई है जो हमसे छोटे हैं, ये नाव को हैंडल कर रहे हैं। भाई आपको उम्र कितना होगा? हाँ, 13। देखिए भैया 13 साल के हैं और इतना मेहनत कर रहे हैं भैया जी। बोटिंग कर रहे हैं और बहुत पूरा दम लगा रहे हैं नाव को चलाने में। देख सकते हैं अभी बोट निकल चुका है यहाँ से और एकदम मस्त हवा चल रहा है। यहाँ पे मज़ा आ रहा है भाई। आप लोग कभी वैशाली आए कि नहीं बताना ज़रूर। अगर वैशाली नहीं आए हैं तो ज़रूर आए और यहाँ की बोट राइडिंग ज़रूर करें। अभी आप लोगों ने वैशाली पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा है फिर नहीं देखा है? नहीं देखे तो जाकर ज़रूर देखें। यहाँ पे भैया लोग, तीन भैया लोग ये कितना मजा आ रहा है। बोट राइडिंग पूरा कंप्लीट हो गया, इतना ही ज़्यादा नहीं घुमाया। एक बार फिर राउंड यहाँ से लेके पूरा तालाब के राउंड राउंड घुमा दिए। तो बोट राइडिंग पूरा कंप्लीट हो गया। अब चलिए ऊपर चलते हैं, चढ़ते हैं। बोट राइडिंग किए, अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने वैशाली में म्यूज़ियम और पार्क। हम आ गए आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम सेंटर वैशाली, जो वैशाली में ही एक म्यूज़ियम है। तो चलिए म्यूज़ियम के अंदर जाते हैं और म्यूज़ियम के अंदर जाने की एंट्री फी लगता है, पता नहीं एंट्री फी कितना लगता है। तो चलिए हम काउंटर के अंदर जाते हैं, एंट्री फी पूछते हैं कितना लगता है और अंदर म्यूज़ियम के अंदर जाके आप लोगों को दिखाते हैं। अंदर आते हैं भैया, एंट्री फी कितना है? एंट्री फी 10 रुपये पर पर्सन, 5 आदमी के लिए दीजिए। ये अंदर जाने का रास्ता, यहाँ से अंदर जा सकता है। ये सुबह 9 बजे से लेके शाम 5 बजे तक खुला रहता है। तो चलिए हम अंदर जाके दिखाते हैं आप लोगों को ताली के म्यूजियम में क्या क्या रखा हुआ है। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए, मिलते हैं आपसे अंदर। बहकी सभी जुबां हैं, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत। अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। था म्यूज़ियम और म्यूज़ियम के अंदर कैमरा अलाउ नहीं था, बट हम लोग भी चुपके से थोड़ा सा वीडियो कर पाए, ज़्यादा नहीं कर पाए बट थोड़ा सा चुप के वीडियो कर पाए। ऐसे कुछ खास चीज़ नहीं था, वही सब प्राचीन चीज़ है, वो भारत का पर सिक्का और पहले खिलौने और भगवान बुद्ध कहाँ बैठते थे वो सब पिक था, और वो क्या क्या खिलौने यूज करते थे, क्या क्या गले में पहनते थे, वही सब चीज़ दिखाया गया था। तो वैसे कुछ खास चीज़ नहीं था, 10 रुपये टिकट है अंदर जाने का। तब लोग आए आराम से, 10 रुपये तो लग रहा है जाकर घूमें। ये है वैशाली पार्क, चलिए अंदर चलते हैं। अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं वैशाली पार्क के अंदर। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ खास चीज़ नहीं है, चलिए आप लोग जाके दिखाते हैं। सिंपल सा वैसे पेड़ वेड़ है और कुछ है ही नहीं, बैठने का भी शायद नहीं है। चलिए हम आपको अंदर जाके दिखाते हैं।
ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए हम ना। अबे इस सेब का आला बनाया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ टूरिस्ट लोग आए हैं जो इनके साथ हम लोग फोटो भी लिए। तो ये लोग आए यहाँ पे घूमने, तो इनके साथ हम भी लोग घूम रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है, बहुत प्यारी आंटी है। तो चलिए आगे दिखाते हैं आप लोग। सारी पार्क कुछ बढ़िया ही नहीं है यार, कुछ है ही नहीं। ऐसे सिर्फ ज़्यादा पेड़ था पहले, पेड़ पूरा कट हो चुका है और ये पता नहीं ये क्यों बना है। ये पार्ट 3 था। मिलते हैं फिर से न्यू ब्लॉग में वैशाली पार्ट 4 में। तब तक के लिए